सीएम योगी का एक दिवसीय गोरखपुर दौरा। आपको बता दें कि सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर गोरखनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। सीएम योगी गुरुश्री गोरक्षनाथ स्कूल ऑफ नर्सिंग के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया है। दीप प्रज्वलन सेवा शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया सीएम योगी ने, तो मुख्य अतिथि राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा उनके साथ मौजूद रहे। गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार में कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो आपको बड़ी खबर हम दे रहे हैं, तो आपको बता दें कि गोरखपुर दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां उन्होंने इस एक दिवसीय दौरे के दौरान वो सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, गुरु श्री गोरक्षनाथ स्कूल ऑफ नर्सिंग कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, दीप प्रज्वलन सेवा शपथ ग्रहण समारोह में भाग उनकी तरफ से लिया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर पहुंचने के बाद सीएम योगी गुरु श्री गोरक्षनाथ स्कूल ऑफ नर्सिंग के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लेते हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। मुख्य अतिथि राज्यसभा महासचिव देश दीपक भी उनके साथ मौजूद। गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सीएम योगी का एक दिवसीय दौरा, जहां उन्होंने संवाददाता प्रेम कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम, सीएम योगी का एक दिवसीय दौरा जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गोरखनाथ स्कूल ऑफ नर्सिंग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रश्मा, बिल्कुल आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह एक तरह से सरकारी दौरा नहीं था। 10:30 बजे तक प्रोटोकॉल नहीं आया हुआ था, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री पहुंचे और वो जो है स्कूल ऑफ नर्सिंग व गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में भाग लिया और सेवा शपथ ग्रहण में लड़कियों को, जो वहाँ के प्रशिक्षु हैं, जो लड़कियां हैं, उनको जो है उन्होंने शपथ भी दिलाया। आसमा, बिल्कुल। और अभी फिलहाल क्या कुछ कार्यक्रम इस एक दिवसीय दौरे के दौरान इसके अलावा? नहीं, ये मुख्यमंत्री अभी कुछ देर बाद संबोधित करेंगे लड़की वहाँ पे सभागार में, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो नर्सिंग की, उनको जो है जो संबोधित करेंगे, तो उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि मुख्यमंत्री क्या बोले हैं। लेकिन अभी तक जो उन्होंने कुछ अभी वहाँ पे, बिल्कुल है, लेकिन प्रेम आपसे जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। इस कार्यक्रम का, यह कार्यक्रम वार्षिक रूप से हर साल ये होता है और जहाँ पे जो स्कूल गुरु गोरखनाथ नर्सिंग कॉलेज की लड़कियों को हर साल इनका एक वार्षिकोत्सव मनाया जाता है और मुख्यमंत्री जो है बराबर इसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर वहाँ मौजूद छात्राओं की बात करें, उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है, उनमें कितना उत्साह कार्यक्रम को लेकर? उन छात्राओं में, छात्राओं ने जो है भजन प्रस्तुत किया और सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया, तो आज बसंत पंचमी का दिन है और उनके अंदर एक जबरदस्त उत्साह है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।